समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मामला मंदसौर के मुल्तानपुरा का है, जहां पर बीजेपी नेता महेंद्र चौरड़िया की टायर फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बायलर फटना बताया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के तुरंत बाद नगर पालिका की दमकल आग बुझाने के लिए पहुंची और मौके पर CSP नरेंद्र सिंह सोलंकी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। SDM भी मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद ग्रामीणों द्वारा वहां कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसे पुलिस ने हटाया और फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए प्रयास जारी रखे और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि वहां के लोग आक्रोश में हैं। दोबारा लगी इस फैक्ट्री में आग को लेकर ग्रामीण का आक्रोश लाजमी है, क्योंकि वो लगातार प्रशासन के अधिकारियों को इसके बारे में लिखित में अवगत करा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पूरा मामला अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। ये कहा जाए कि अधिकारी इसके लिए दोषी है तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टायर फैक्ट्री को बंद करने के लिए आदेश दिए थे। पहले भी अधिकारियों ने गांव के लोगों को भाजपा नेता के प्रभाव में डराकर चुप कर दिया था। इसी साल की 20 जनवरी को भी इसी टायर फैक्ट्री में आग लगी थी बायलर फटने की वजह से, जिसके बाद आग का इतना विकराल रूप हो गया था कि जिसे बुझाने में 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा था और इसमें कम से कम 4 मजदूर भी झुलस गए थे। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि फैक्ट्री मालिक पिछले 5 से 6 महीने से बीमार हैं, जिनका अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज जारी है और वहीं अपना उपचार ले रहे हैं। वर्तमान में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी इकबाल हुसैन। क्या किस तरह से आग लगी थी? और जी अंदर ये ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री के अंदर, आग लगने से हमें बहुत परेशानी है और हम चाहते हैं कि जल्द जल्द बंद हो ये फैक्ट्री। क्या पहले भी कई बार आग लगी? पहले कई बार लग चुकी है और हमने आवेदन भी दिए हैं, कलेक्टर साहब भी पास गए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री को आवेदन दिए हैं और हमारा गांव वाले सब मिलकर चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। और हमें परेशानी भी है, हमें आसपास हमारा खेत हमारे पास में है और खेती बहुत खराब हो रही है, इससे फसलें नहीं हो पा रही है और पानी की भी समस्या हो रही है, पानी खराब हो रहा है हमारे खेत कुएं पे। और जो आग लगी थी उसमें कोई मजदूर वगैरह भी मरे थे? जी हाँ, पहले भी इसमें लगी मगर उसका कोई 4 मरे थे बस बताया, उसके बाद कम से कम 25-30 में मर चुके थे। मीडिया वालों ने किसी ने बताया नहीं है और हम बोल रहे थे किसी को कि मर चुके, बोल रहे थे नहीं कोई नहीं मरा है, आप खाली अफवाह फैला रहे हो। अभी क्या स्थिति हुई? अभी अंदर गैस की टंकी फटना हमने पूछा गेट पोस्ट से, तो उन्होंने पूछा गैस की टंकी फटने से ब्लास्ट हुआ तो बॉयलर फट चुका अंदर। तो क्या कोई मजदूर वजदूर? अभी तो कोई इसमें कोई मरने की किसी संभावना नहीं है। और हम अंदर गए तो गेट पोस्ट वालों ने बोल दिया कि नहीं अंदर आपको अनुमति नहीं है, हम जो काम कानून कायदे से काम करेंगे, अंदर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंद हो। नहीं होता तो फिर क्या नहीं होता तो हम आक्रोश मिलकर हमारे गांव वाला पूरा मिलकर इसको बंद कराना चाहते हैं। हमें बहुत प्रदूषण से बहुत परेशानी है, इस गांव को तो ठीक बना 2-3 गांव आसपास वाले उनको परेशानी है, आसपास रहते हैं हमें बहुत परेशानी दिक्कत आती है प्रदूषण से। मोहम्मद इकबाल हुसैन। मुल्तानपुरा स्थित एक टायर फैक्ट्री, यहाँ पे आग लगी, पुलिस को ये सूचना मिली थी, पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सारी फायर ब्रिगेड को एक्टिवेट कराया गया, मौके पे पहुंच के उसको आग अभी मतलब नियंत्रण में है। अभी कोई अंदर कोई ऐसा घायल वायल नहीं, ग्रामवासियों का कहना कि पहले भी यहाँ पे आग लगी है तो इस संबंध में आगामी जिला प्रशासन समन्वय करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ ग्रामीण ग्रामवासियों ने कुछ शुरुआती तौर पर कुछ तोड़फोड़ की है, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर समय जगत के लिए मंदसौर से आशीष चावड़े की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।